बेगूसराय जिले के अंतर्गत प्रखंड चेरिया बरियारपुर में, और चेरिया बरियारपुर में देख सकते हैं होली आयोजन समारोह किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आयोजक ये है, हम इनसे जानते हैं पहले, क्या नाम हुआ आपका सर? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर होली आयोजन किया जा रहा है, होली समारोह तो परंपरा के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वृद्ध लोग भी ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जिससे कि लगता है कि वो पुराने। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो रहा है या फिर हर साल करवाते हैं आप? अब से हर साल होगा। अच्छा, आपको कैसे आपको लगा कि यहाँ पर चेरिया बरियारपुर में ये आयोजन करवाना चाहिए था होली समारोह? अच्छा, आपको कैसे कैसे व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं यह आयोजन करवाने में? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है आपके प्रखंड में होली समारोह का आयोजन किया गया था, आपको कैसा लग रहा है? होली समारोह हमारे समाज में इतना सुंदर पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आप अगले आदमी को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मिलजुल कर एकदम होली मनाए। पूरा सामाजिक काम है, सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे कैसे व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर जी के थ्रू हो रहा है या आप लोग सारे लोग शामिल होकर किया जा रहा है? आप लोग शामिल होकर करवा रहे हैं या फिर सिर्फ डॉक्टर जी के थ्रू हो रहा है? तो देखिए, अब यहाँ पर ज़्यादा सुनाई नहीं पा रहा है, तो और आपको हम बाहर का दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर होली समारोह का आयोजन किया गया है बेगूसराय जिले के अंतर्गत प्रखंड चेरिया बरियारपुर में। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति है, और यहाँ पर देख सकते राष्ट्रीय कवि कहलाने वाले मात्र हमारे दिनकर जी को सिमरिया में जन्म लिया। मैं चाहूंगा पर जोरदार ताली दिनकर जी की होनी चाहिए। हमारे बेगूसराय के धरोहर है, इसमें मैंने पहला वर्णन लिखा।